गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, मेरा नाम नीलम सिंह है और मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका हूँ। आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पाठ चार संयुक्त व्यंजन और शब्द रचना। हम पाठ पढ़ रहे हैं संयुक्त व्यंजन और शब्द रचना, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आइए इसके बारे में और जानते हैं, इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। संयुक्त व्यंजन, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब अक्षर आपस में जुड़े होते हैं तो उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। चित्र देखकर शब्द सीढ़ी पूरी कीजिए, यहाँ पर आपको शब्दों की सीढ़ी बनाकर दी गई है। आपको क्या करना है, चित्रों को ध्यान से देखना है और ये शब्द सीढ़ी पूरी करनी है। ये जो पहली चित्र है आप, ये क्या है, मटर। इसी प्रकार से ये आप दूसरा चित्र देख रहे हैं, ये क्या कहलाता है, रथ, जिसमें राजा महाराजा लोग जाते थे। जैसे आपके पास कार, बाइक, स्कूटी होती है तो राजा महाराजाओं के पास रथ होता था। यह है आपका थर्मस, जिसमें हम ठंडा या गर्म कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ देखिए एक आदमी क्या कर रहा है, बीन बजा रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सपेरा। राजा, ये क्या है, हम इसे मकड़ी का घर भी कहते हैं। मकड़ी के घर को हम क्या नाम देते हैं, जाला। इसी प्रकार से आप इस चित्र को ध्यान से देखिए, ये पुराने समय में लोग बहुत प्रयोग करते थे, इसको बोलते हैं लालटेन। इसी तरह से नल। आइए दूसरा देखते हैं, चित्र पहचान कर नाम लिखो। बच्चों अभी मैं आपको खुद इसको स्वयं से पहचानना है कि ये क्या चित्र दिए गए हैं, आपको इनके नाम इनके लिखी हुई जगह पर ही लिखने हैं। अभ्यास कार्य, मैंने आपको जैसे कहा था कि आप लोग फर्स्ट चैप्टर से अभी तक जितना पढ़ाया गया है उसको बार बार रिवाइज करेंगे, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर आपके लिए जो वर्कशीट बनाई है वो पहले चैप्टर से लेकर चौथे चैप्टर तक, मतलब एक पार्ट एक से लेकर पार्ट चार तक बनाया गया है। इसमें आपको क्या करना है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। जो भी आपने पढ़ा है, जो रिवाइज किया है, ये उसी के बेस पर होगा। जैसे जब हम बोलते हैं तो दूसरे क्या करते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं, वो सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो ये आपको सोचना है और आपको इसमें लिखना है। इसी प्रकार से बाकी के आपको प्रश्न करने हैं। दूसरा देखिए, सीढ़ी में क्रम से व्यंजन लिखिए। यहाँ पर ये सीढ़ियां बनाकर दी गई हैं, आपको व्यंजनों को क्रम से लिखना है। क्रम से, जैसे आप 1 2 3, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, इसी प्रकार से इन अक्षर के बाद कौन सा अक्षर आता है वो आपको ध्यान पूर्वक से यहाँ लिखना है। छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़े ऊ की मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। यहाँ पर आपको चार शब्द दिए गए हैं, आपको स्वयं से जानना है कि इनमें छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ी ई की मात्रा आएगी। दिए गए संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग कर शब्द बनाइए। जैसा कि हमने संयुक्त व्यंजन में सीखा था, जुड़े हुए आपस में दो अक्षर, जो दो व्यंजन होते हैं वो संयुक्त अक्षर कहलाते हैं, तो यहाँ पर इसी प्रकार से संयुक्त व्यंजन दिए गए हैं, आपको इनके शब्द बनाने हैं। यहाँ देखिए, शब्द बनाइए, इन्होंने अक्षरों को अलग अलग करके रखा है, आपको इनको जोड़कर शब्द बनाना है। जैसे आपको मैं एक उदाहरण देती हूँ, गा धन या धन क, तो ये आपका शब्द बनता है गायक। गायक हम किसे कहते हैं, जो गाने गाता है। इसी प्रकार से आप बाकी के सारे शब्द भी बनाएंगे। नीचे देखिए, चित्र देखकर नाम लिखिए। ये जो आप चित्र देख रहे हैं इनके नाम क्या है आपको यहाँ पर लिखने हैं। बच्चों एक बात और, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में ही उसका नाम लिख देते हैं, तो आपको हिंदी शब्द, आपका ये हिंदी विषय है तो आपको जो भी चित्र या जो भी काम दिया जाता है उसका नाम आपको हिंदी में ही लिखना है। धन्यवाद।